हम आज लोग हम लोग देखेंगे कि रीड्स कितने होते हैं। रीड्स का अगर हम लोग टाइप देखेंगे, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ जस्ट फॉर रिवीजन, इजी रिवीजन के लिए। एक होता है आपका हैबियस कर्पस। हैबियस कर्पस का मतलब होता है, हैबियस कर्पस एक बहुत मतलब सबसे पहले पढ़ा जाता है रीड्स को। इसका मतलब होता हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कोई मतलब किसके लिए, किसी ने अगर रिट फाइल किया है तो मतलब वो पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा आपको। ये किस लिए किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई ज्यूरिडिक्शन के बाहर किसी को डिटेन करके रखा है, पुलिस ने किसी को आउट ऑफ द जेल दूसरे जगह पे कहाँ पे डिटेंशन करके रखा है, वो सब चीज़ के लिए हैबियस कर्पस लागू होता है। एक हो गया आपका हैबियस कर्पस, दूसरा हो गया आपका मैंडामस। मैंडामस का मतलब क्या होता है, मैंडामस का मतलब है मान लीजिए कोई एक जन अथॉरिटी है, वो अपना ड्यूटी, उसका ए ड्यूटी उसको करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है तो उसको मैंडामस लगेगा। ठीक है, मैंडामस मतलब आपको मैंडेटोरी है, मैंडेटोरी है, डॉक्टर का मैंडेटोरी है कि वो पेशेंट को ट्रीट करेगा, सॉरी वो पेशेंट को ट्रीट करेगा, वो मैंडेटोरी है उसके लिए। ठीक है, हैबियस कॉर्पस हो गया, फिर मैंडेटोरी हो गया, मतलब मैंडामस हो गया आपका, जो कि मैंडेटोरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। फिर एक है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन है अगर मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का, मान लीजिए ओडिशा का हाईकोर्ट है, वो ओडिशा के अंदर ही उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, या फिर कहीं पे अगर कॉज ऑफ कुछ मतलब उस तो कॉज ऑफ एक क्राइम का कॉज या फिर कुछ भी प्रॉब्लम का कॉज दूसरे जगह पे है जिसका इफेक्ट इसके ऊपर मतलब ओडिशा में पड़ा है, तो फिर हम ये हाईकोर्ट इसको भी मतलब समन कर सकती है। लेकिन उसके बाद अगर किसी को और को कर रही है, मतलब खुद के टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से अगर ये बाहर जा रही है तो इसको बंद करेगा प्रोहिबिशन, मतलब तुम बाहर नहीं जाओ, अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जाओ, हो गया। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्चियोररी। सर्चियोररी क्या होता है, मान लीजिए हाईकोर्ट ने कोई केस को पेंडिंग करके रखा है या फिर कोई लोअर कोर्ट ने केस को पेंडिंग करके रखा है, तो हाईकोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है वो केस उसको ट्रांसफर करने के लिए, या फिर वो केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर उसको सर्टनिटी कुछ दो, या फिर कुछ मतलब तुम बोलो कि कब सॉल्व करोगे, तो वो चीज के लिए हम सर्टियोरारी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है क्वारेंटो। क्वारेंटो सबसे लास्ट में आता है। क्वारेंटो क्यों बोला जाता है क्वारेंटो, इसका मतलब है कौन से अथॉरिटी से, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो बाई व्हाट अथॉरिटी, मान लीजिए कोई एक जन अथॉरिटी है, वो ए अथॉरिटी दूसरा अथॉरिटी है, उसका ड्यूटी ए है लेकिन उसका ड्यूटी बी नहीं है, बी टू अथॉरिटी का ड्यूटी है, अगर ये वन वाला अथॉरिटी अपने ड्यूटी ना करके या फिर अपने ड्यूटी के साथ वो दूसरा ड्यूटी कर रहा है, मान लीजिए उसको वो नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहा है, तो फिर उसको क्वारेंटो और बाई व्हाट अथॉरिटी का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं और एक बार आप सब लोगों को बोल देती हूँ, सॉरी मेरा थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, पहले हम देखते हैं, पहले हमने देखा आपका हैबियस कर्पस। हैबियस कर्पस, कर्पस मतलब होता है बॉडी, तो हैव द कर्पस मतलब टू हैव द बॉडी हमने देखा। फिर हमने देखा मैंडामस, अगर किसी का ड्यूटी कुछ है, अगर ए अथॉरिटी का ड्यूटी वन है, वन ड्यूटी है उसका, तो वो वन ड्यूटी को वो नहीं कर रहा है तो अगर समन करेगा तो मैंडामस है। फिर उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है, मान लीजिए कोई कोर्ट अपना टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहा है तो उसको बंद करना है प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद सर्चियोरारी मतलब अगर कोई केस को कोई लोअर कोर्ट पेंडिंग करके रखा है, लोअर कोर्ट पेंडिंग करके रखा है तो उसको सर्चियोरारी देता है हायर कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वारेंटो। क्वारेंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। बाई व्हाट अथॉरिटी क्यों ये बोला जाता है कि आपका मतलब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप ये ड्यूटी करें, अगर आप ये ड्यूटी कर रहे हैं तो आप किस अथॉरिटी से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्वारेंटो आस्क करता है। तो हम ये है हमारा रीड्स, और रीड्स 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट इशू करता है। इसका टेरिटोरियलिटी ऑफ द रीट इशू किसका, सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है, लेकिन इसका जो डायमीटर ऑफ रीट इशू है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब ये खाली फंडा
फंडामेंटल राइट के लिए रीट इशू कर सकता है, लेकिन वो जो रीट इशू फंडामेंटल राइट के लिए, ये होल ओवर द कंट्री में कर सकता है, कोई एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इसका नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ दूसरे चीज के लिए भी रीट इशू कर सकता है, लेकिन इसका जो टेरिटोरी ऑफ ज्यूरिडिक्शन है वो खाली उसका स्टेट है, या फिर कॉज ऑफ द एक्शन अगर कोई दूसरे स्टेट पे अराइज कर रहा है तो इसमें है। तो इसका एक्शन ऑफ रीट मतलब एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन ज्यादा है, लेकिन इसका एक्शन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। तो ये रीट के बारे में था, मुझे लगा है आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकेगा।